को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर शराबबंदी, बढ़ते जनप्रतिनिधियों की हत्या, बलात्कार जैसे मामलों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसके अध्यक्षता जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान संयुक्त रूप से कर रहे थे। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि बहादुरपुर थाना अंतर्गत पुरखोपट्टी गांव में दो नाबालिग बच्चों की हत्या दरभंगा के जिला प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है। किसी गरीब परिवार की बेटी लापता हो जाती है, मगर पुलिस प्रशासन खोजना तो दूर उसका FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। बहुत दबाव देने पर दो दिन के बाद FIR दर्ज होता है। अगर उस पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ नहीं मिला तो जिला स्तर के साथ साथ राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को धमकी देकर निर्मम हत्या कर दी जा रही है, मगर हत्यारों को पकड़ने में प्रशासन नाकामयाब रहती है। आखिर क्या वजह है अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है? इससे साफ जाहिर है अपराधियों का प्रशासन एवं कानून का भय दिल से खत्म हो गया है। वही वीरेंद्र डॉक्टर वीरेंद्र पासवान ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सरकार आम जनता को परेशान कर रही है। शराब माफिया प्रशासन की मिलीभगत से होम डिलीवरी कर रहे हैं। सब कुछ मालूम रहते हुए भी प्रशासन शराब माफियाओं को संरक्षण देती है। जाप के अकलियत नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तौर पर अपराधियों, शराब माफियाओं एवं बलात्कारियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। प्रतीत होता है कि प्रशासन और अपराधी दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी के चुनमुन यादव, पूर्व मुखिया मणिकांत यादव, बतौर मुखिया फेकन पासवान, मोहम्मद दिलशाद, सोनू खान, गौरव यादव, तौफीक खान, मोहन यादव, मोहम्मद अफरोज, जयशंकर कुमार, कोलू कुमार, सतीश पासवान, रहमत अली, बबलू दास, भगवान ठाकुर, इस्माइल अख्तर, आदित्य कुमार इत्यादि धरना स्थल पर मौजूद थे। धरना के समापन की घोषणा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए किया। जनप्रतिनिधियों को चैलेंज देकर उनकी हत्या कर देना एवं बिहार के अंदर में बेटियों का आए दिन बलात्कार कर उसकी हत्या कर देना और उस केस को दूसरी तरफ मोड़ना, उसके खिलाफ हम लोगों का एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहादुरपुर थाना के अंतर्गत पुरखोपट्टी गांव में जो दो नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है और प्रशासन उसको मतलब नया रूप दे रही है, उसको मोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ जन आंदोलन है। इसीलिए आज हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के लोगों ने और माले के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना का दिया है ताकि अंधी भरी सरकार और ये जो हमारे प्रशासन है, जो प्रशासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है, हमारे SP महोदय, हमारे जिला अधिकारी महोदय, ये लोग को संज्ञान में जाए कि ये बात कहां पर नाइंसाफी हो रही है और इसको इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखा जिस तरह का रवैया है तो आगे क्या होगा? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे का रवैया हम लोगों की, आज जो है पूरे बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे धरना दिया जा रहा है और ये जो गुणवंती कुमारी की हत्या हुई है और विभा कुमारी की हत्या है उसके खिलाफ में जहरली जो शराब बेचा जा रहा है उसके खिलाफ में और बढ़ते हुए अपराध जो है उसके खिलाफ जो है राज्यव्यापी धरना किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया होगा तो रेल चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन हम लोग अगले डेट जो है आदेशानुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब होगा तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन के लिए। बिहार में हो रहा दुष्कर्म का मामला है, दुष्कर्म में जो भी अपराधी सम्मिलित है वो तमाम अपराधी को जो दोषी है, जो बलात्कारी है उसको फांसी देने का प्रावधान सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जनाधिकार पार्टी के माध्यम से। अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है? गिरफ्तारी हुई है, कुछ लड़का सब लापता है। जहाँ तक एक लड़का का नाम आया है उसके माध्यम से अगर उसको उठाया जाए, कहीं ना कहीं आपको भट्टा का भी स्टाफ उसमें सम्मिलित है क्योंकि तो भट्टा से जस्ट सपोजिट बगल में ही बच्चे का लाश जो पाया गया और गड्ढा जहाँ लाश मिला उसे साफ जाहिर होता है कि जो भट्टा का जो भी स्टाफ है वो उसमें है सम्मिलित, जैसे साफ नजर आ रहा है। और स्थल पर भी जाकर के हम लोग कल जाकर के देखे हैं तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं
भट्टा का भी इसमें स्टाफ सब है। प्रशासन इसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है जो गरीब गुरबा के मामले के ऊपर अत्याचार होता है तो प्रशासन और यहाँ का लोकल जो विधायक गरीब गुरबा को जो भी मामला होता है उसको दबाने का काम करते हैं, उसको उजागर होने का काम कभी देख लीजिए। गरीब गुरबा के मामले के साथ ही अत्याचार किया जाता है, किसी अगर किसी विधायक या किसी मंत्री के मामले के साथ अत्याचार करे तब तो पता उसे लगे किस प्रकार का दुख दिक्कत होता है अपने मामले के साथ। सबसे बड़ी बात क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो जरूर मिलेगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।